चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं बाइक के रिलेटिव। आप देख रहे हैं मेरे पास ये बजाज कंपनी का पल्सर 220 एफ बाइक है और इस बाइक में माइलेज के लेकर बहुत इशू आ रहा है। बाइक में नए बाइक के माइलेज दे रहा है और नई बाइक प्रॉपर पिकअप ले रहा है। जब भी बाइक में माइलेज का प्रॉब्लम, सबसे पहले आपको दो स्टेप आपको चेकअप करें, सिर्फ और सिर्फ दो स्टेप। ये आपको हम सभी वीडियो में बतला रहे हैं और ये मेरा खुद का एक्सपेरिमेंट किया हुआ ट्रिक है, क्योंकि इस ट्रिक का मैं खुद एक्सपेरिमेंट का बहुत ढूंढने के बाद ये ट्रिक मुझे मालूम पड़ा है। तो जब भी आपको माइलेज का प्रॉब्लम, सबसे पहले आपको दो स्टेप आपको चेकअप करना है। पहला स्टेप है आपका बाइक का फिल्टर चेकअप करना है और दूसरा स्टेप है आप बाइक में फ्यूल कौन सा डलवाते हैं। अगर आप डब्बे वाला फिर लोकल पेट्रोल डलवाते हैं तो माइलेज नहीं देगा, या फिर आपके बाइक में एयर फिल्टर ज़्यादा गंदा रहा है तो आपके बाइक के माइलेज बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि सांस लेने में बाइक को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो में देरी नहीं करते, चलिए फटाफट से करना। हमारे चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखिए इस बाइक का हम इग्निशन ऑन करके आपको दिखला रहे हैं। सबसे पहले इस बाइक चला हुआ कितना है देखिए, यहाँ पे 9090 किलोमीटर बाइक चला है और यहाँ पे देखिए ऑडियो लिखा हुआ है, बाइक 9000 किलोमीटर चला और इस बाइक में माइलेज के लेकर इशू आ रहा है। चलिए हम एयर फिल्टर आपको खोल करके बाहर निकाल रहे हैं, एयर फिल्टर खोल करके दिखला रहे हैं आपको, आपको माइलेज सेटिंग करके भी दिखलाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने, वीडियो कहीं से भी आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा। और ये देखिए इसका रहा ये फिल्टर, किससे सर गया, टूट टूट करके बाहर निकाल रहे इसका, देखिए ये निकल गया फिल्टर। देखिए इसके अंदर कितना ज़्यादा कचरा भरा हुआ। अगर मान लीजिए आप ही लोग समझ लीजिए, अगर आपके बाइक का नाक जाम हो जाए कि आप लोग प्रॉपर सांस ले पाइएगा, आपको सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। उसी तरह से इस बाइक का नाक जाम हो गया, सांस जाम हो गया, बाइक एयर लेने में बाइक को काफ़ी प्रॉब्लम होता था। इसके लिए नहीं बाइक मैंने जगह नहीं रेस, देख रहे आप कितना ज़्यादा, देखिए इसके अंदर कितना बुरी कंडीशन हो गया बाइक को। देखिए हम लोग लोकल मार्केट, तो लोकल मार्केट में आपको ये नहीं रखना है कि बाइक कंपनी बोल रहा है इतना किलोमीटर पर चेंज करने के लिए फिल्टर, तो इतना किलोमीटर पर चेंज करेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। कंपनी के हिसाब से नहीं चलना है एयर फिल्टर के रिलेटिव, आप अपने बाइक का खुद से आप मेंटेन कर सकते हैं। एयर फिल्टर आप घर पर भी एक बार खोल करके अच्छा चेकअप कीजिए, बाइक का फिल्टर गंदा है, क्योंकि लोकल मार्केट में रोड पर ज़्यादा धूल मिट्टी होता है। जैसे ही धूल मिट्टी में बाइक चलेगा तो एयर फिल्टर स्वाभाविक है डस्ट होगा ही, धूल मिट्टी वाले एयर जाएगा बाइक को, तो हमें दिख जाए। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग कैमरा में देखिए, यहाँ पे इसके अंदर देखिए कितना ज़्यादा थाल भरा है, देखिए आप देखिए इसके अंदर, इससे बाइक कभी नहीं माइलेज देगा। तो अब इसको एयर गन के मदद से इसको अंदर में एक एक डस्ट को हम बाहर निकाल लेंगे। इसमें देखिए यह बाइक का एयर फिल्टर, आप देखिए एयर फिल्टर का पार्ट नंबर है, इसका प्राइस हो गया 81 रुपया और ये 2022 का पैक। चलिए इसको हम प्रॉपर फिर अब हम क्या करेंगे, इस वाले पोजिशन में थोड़ा नया वाला इंजन ऑयल का यूज कर लेंगे आप इस तरह से, बिल्कुल थोड़ा ही इंजन ऑयल का यूज करेंगे ताकि इस पर जो भी धूल मिट्टी आएगा इस पर बैठ जाएगा। क्या बाइक का तो फिल्टर हम फिट कर लिए, अब आपको करना है कि इस बाइक का माइलेज सेटिंग करना है। तो माइलेज कैसे सेटिंग करना है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं एक क्या हो गया फ्यूल मिक्सचर स्क्रू, एयर और फ्यूल का मिक्सचर करता हूँ, ये बाइक का RPM स्क्रू है। चलिए हम आपको बाइक को कर लेते हैं स्टार्ट, आपको माइलेज सेटिंग करके बतला। तो फ्रेंड देखिए बाइक का प्लग मेरा ओपन हो गया और यहाँ पर देख लीजिए इसका पॉइंट जो है थोड़ा ही रेड है, जबकि इससे थोड़ा और ज़्यादा रेड होना चाहिए। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे कार्बन जमा हुआ है, इससे पता चले कि बाइक जो है माइलेज कम दे रहा है। ये थोड़ा और रेड होगा तो बाइक का माइलेज थोड़ा और अच्छा रहेगा। अब जब भी बाइक में प्लग डलवाते हैं तो छोटा थ्रेड नहीं डलवाइए, पल्सर बाइक में बड़ा थ्रेड डलवाए, कई बहुत ऐसे भी बहुत बार ऐसे भी हम देखें इसमें छोटा थ्रेड प्लग लगा देता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और इस प्लग का जो गैप है ना आपको आरी पत्ती से नापना है। तो फ्रेंड्स देखिए प्लग का जो गैप है ना आप क्या इसका फेलर गेज भी आता है ना, आपने इसमें 0.06 mm है 0.08 mm आप गैप दे सकते हैं, इससे कम रहेगा तो भी आपका बाइक स्टार्टिंग प्रॉब्लम और माइलेज प्रॉब्लम आएगा। देखिए नॉर्मली आप ये आरी पत्ती है ना हेक्सो ब्लेड, इस ब्लेड से आप प्रॉपर नाप से देखिए इसके अंदर इस आरी पत्ती से आप प्रॉपर गैप को मेंटेन कीजिए, प्रॉपर आपका गैप सही हो जाएगा। अगर आपके पास फिलर गेज नहीं है तो देखिए यहाँ पे इसका गैप जो है प्रॉपर अभी सही है, थोड़ा भी इसके ऊपर नीचा गैप नहीं है, प्रॉपर सही है। तो चलिए हम इस प्लग को बैक में कर देते हैं फिट, चलिए बैक को कर लेते हैं स्टार्ट, बैक मेरा स्टार्ट हो गया। और ये जो आप स्क्रू देख रहे हैं ये है फ्यूल और एयर स्क्रू और ये है बाइक का RPM सेटिंग स्क्रू। अगर आप यहाँ से RPM बढ़ा रहे हैं तो भी आपका बाइक बार बार बंद हो रहा है, तो आपको बाइक का हो सकता है कि टैपिट में प्रॉब्लम, टैपिट टाइट होगा, टैपिट लूज हो सकता है, लूज रहेगा तो साउंड आएगा, लेकिन टाइट रहेगा तो बाइक बार बार बंद होगा। तो टैपिट पर भी आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप एक बार कमेंट कर सकते हैं और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
तो फ्रेंड्स अभी हम बात कर लेंगे माइलेज के रिलेटिव। देखिए आपको यहाँ से थोड़ा आपको आरपीएम ले लेना है, थोड़ा रेस्ट कर देना है। फिर आपको करना क्या है, तो स्क्रू ड्राइवर ले लेना और फ्यूल और एयर का जो मिक्सर का स्क्रू है उसको फुल टेंट कर देना है, फुल टेंट कर देना है। देखिए जैसे ही हम इस स्क्रू को टेंट किए बाइक बंद हो गया। स्टार्ट करो बाइक को, स्टार्ट करो। बाइक स्टार्ट है लेकिन बार बार बंद हो रहा था। अब क्या यहाँ थोड़ा और हम रेस ले लेंगे। अभी स्टार्ट करो, बाइक बंद नहीं होना, छोड़ दो। अभी भी बंद हो रहा था, यहाँ थोड़ा और रेस लीजिए। माइलेज सेटिंग करने का सही तरीका यही है बाइक का। देखिए अब बाइक मेरा प्रॉपर स्टार्ट है, तो अब क्या करेंगे बाइक को यहाँ से धीरे धीरे आपको रेस कम, फुल मिक्सर स्क्रू है इसको अब हम क्या करेंगे धीरे धीरे आपको एंटी क्लॉक वाइज इसको ढीला करेंगे। देखिए जैसे ही वन राउंड ढीला किया बाइक का रेस थोड़ा बढ़ गया, फिर आपको ढीला करेंगे। देखिए जहाँ पे आपके बाइक का काफी स्पीड आ जाए उससे थोड़ा ज्यादा आपको इस तरह से ढीला कर देते, यहाँ पर काफी स्पीड आ गया इससे थोड़ा ज़्यादा ढीला कर दिए। अब हम क्या करेंगे यहाँ से आरपीएम को कम कर लेंगे, बाइक को रेस को कम कर लेंगे। देखिए इतना पे बाइक का आरपीएम प्रॉपर से, बाइक अभी बंद भी नहीं हो रहा और आरपीएम कितना है वो भी आपको हम डिस्प्ले पे दिखला रहे हैं। देखिए यहाँ पे आरपीएम जैसे वन पे है, वन से कम नहीं रखना है, एक से थोड़ा ही आरपीएम ज़्यादा रहेगा तो और बेटर है, लेकिन वन से कम आपको आरपीएम बिल्कुल नहीं रखना है। अब हम क्या करेंगे यहाँ से थोड़ा और आपको बाइक का रेस बढ़ा लेंगे थोड़ा ही। देखिए वन से थोड़ा ऊपर चला गया, आपको इतना आरपीएम प्रॉपर रखना है। इस तरह से आप माइलेज सेटिंग कीजिए, आपका बाइक का माइलेज प्रॉपर सही हो जाएगा। के रिलेटिव अगर आपके बाइक में कोई प्रॉब्लम है, बाइक के रिलेटिव कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द हम फिर आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पे आप देख रहे हैं बाइक अभी बंद भी नहीं हो रहा, बाइक का माइलेज प्रॉपर सेट हो गया, आरपीएम भी प्रॉपर सेट है।